नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं कि जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आज अटल जुड़ रही है कोमल राजपूत जो कि आज पंडुकड़ धाम में वो आई हैं और उनसे पूछेंगे कि यहां आकर के उनको कैसा लगा और कैसा फील वो करती हैं। आपकी जन अदालत में आपका स्वागत है मैडम। Yes, I am Kumbh Rajput and I came from Delhi. I came here from like so many problems लेके आई थी मैं, but still I believe कि हाँ यहाँ पे literally चमत्कार होते हैं। मैंने ऐसा खुद से महसूस किया है, ना कि दूसरों के बोलने पे। पहले तो मैं भी एक believers नहीं थी, but कुछ चीज़ों ने मेरे को बना दिया है। और यहाँ पे कुछ लोग जैसे indirect comment करते हैं कि ये होता नहीं है, वो होता नहीं है, बस मैं उनको जैसे ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे सच में ही चमत्कार होते हैं, ये मैंने खुद से महसूस किया है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जो लोग विश्वास नहीं करते वो आके देखें यहाँ पे। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जो आजकल चल रहा है सिनेरियो, हमारे गुरुजी किसी चीज़ को लेके बड़े लाइक परेशान है, मतलब परेशानी है उन्होंने वोट कि कुछ लोग ने भड़का नहीं मतलब उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि हाँ वो बोले, वो बोलना नहीं चाहते हैं, बट क्या करें, कुछ लोगों ने मजबूर कर दिया। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कुछ लोगों को सच में प्रॉब्लम है यहाँ से या इस दरबार से लाइक ये हिट हो रहा है या जो भी है, बट ये तो नहीं है कि वो उन्होंने मतलब किसी के बिहाफ पे किया है, उन्होंने तो खुद की मेहनत से किया है। ये यहाँ पर जितने भी यंग हैं, खूबसूरत हैं, यानी लड़का लड़की हैं, उनको डर लगता है कहीं ना कहीं उनके बॉयफ्रेंड को लेकर, कुछ ना कुछ डरते हैं क्योंकि पंडुकड़ सरकार खुलेआम बोल देते हैं, तो आपको डर नहीं लगता उनके दरबार में आने से? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा कुछ डर नहीं लगता क्योंकि मैंने एक्चुअली ऐसे काम किए नहीं है और आई एम वेरी ओपन माइंडेड, तो मेरे को डर नहीं लगता जी। कमल जी, यहाँ आकर के जितने भी लोग आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा जिस तरीके से कमेंट करते हैं कि हमारे काम नहीं हुए, मतलब बाहर लोग कमेंट करते हैं जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं, इस पर आपका क्या रिएक्शन? काम नहीं होते, इसके लिए मैं क्या कहना चाहूँ, इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँ, अगर हम किसी भी काम को तरीके से करेंगे तो वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है। और ये नहीं कि मैं ही कह रही हूँ, मैंने बहुत लोगों से पूछा है, देखा भी है यहाँ पे, तो काम तो होते ही, अगर तुम उसको सही ढंग से करोगे काम तो ज़रूर होंगे, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होंगे, काम तो होने ही हैं, क्योंकि यहाँ पे हाथीवान महाराज का आशीर्वाद जो है। कोमल जी, आपका कुछ काम हुआ है? मेरा क्या बताऊँ, मैं तो बयान नहीं कर सकती, मैं शब्दों में नहीं बता सकती मेरा क्या क्या काम हुआ है जी। मैं तो इतनी खुश हूँ यहाँ पे आके मेरे को मेंटल पीस मिला है, तो उस लिए मैं बड़ी खुश हूँ। तो हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं और यहाँ पे हम कुछ परेशानियों से को लेके आए थे जो कि हमारी अब रिजोल्व हो चुकी है, यही बोलना चाहूँगा। आप खुश हों यहाँ पे आके? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेडिकल लाइन वाले इसमें मतलब यहाँ पे जैसे बताया जाता है भूत बाधा ये वो, तो यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि मेडिकल लाइन वाले नहीं आते, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो उससे बियॉन्ड होती है, मतलब कुछ सिद्धियाँ है तो वो अपने तकनीक पे काम करती है, हम लोग अपने तरीके से काम करते हैं, तो हम ऐसे किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ जो ये है मतलब विश्वास वाली चीज़ है ये कोई फेक है, तो ऐसे हम नहीं कह सकते। अच्छा कोमल जी, आपके करियर के बारे में जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो आपका एजुकेशन के बारे में जानना, क्या कर रही है इस समय? आई हैव कम्प्लीटेड माई नर्सिंग एंड आई एम रिसेंटली प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम नर्सिंग ऑफिसर जी। तो आपके मन में कैरियर के लिए देखा जाए तो भविष्य में क्या बनने की चाहत रखती हैं आप? मेरे भविष्य में बनने की सम्मी है, बहुत बड़ा इंसान बनना चाहती हूँ, तो पता नहीं वो हो पाएगा नहीं, ये ऐसे तो सब लोग यही चाहते हैं कि एक बड़ा इंसान बने, बट ये है कि ये टाइम बताएगा कब क्या होगा, इसके बारे में मैं कोई कल्पना नहीं करूँगी। लोगों के पहनावे पर अक्सर लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, हम देखे जाते हैं, अगर किसी लड़की ने जीन्स पहन लिया तो उस पर बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि अगर लड़कियों के कपड़े पहनाने से ही लड़कों की सोच ऐसी बन जाती है और वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगी इस बात पे कि यहाँ पे लड़कियाँ गलत नहीं होती है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें लोगों को अपनी मेंटेलिटी चेंज करने का ज़रूरत है कि वो अपनी मेंटेलिटी चेंज कर, अब लड़कियां है लाइक वो अभी जिस टाइम में पहनना चाहिए उनको तब नहीं पहनेंगी तो कब पहनेंगी, ये थोड़ा ना कि कपड़े को देख के किसी को भी मतलब अपना माइंड डाइवर्ट कर ले, ये थोड़ा लोगों को सोच सही करनी है, तो इसमें लड़कियों का कोई कसूर नहीं है। हाँ ये मैं कहूँगी कि लाइक वल्गर ड्रेसेस ना पहने, और ये क्या होता है कि एरिया के हिसाब से ड्रेसेस पहने, क्योंकि होता है कि जैसे पुराने लोग हैं या फिर कहीं गांव वगैरह में हम पहन के चले गए शॉर्ट्स, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली लोग देखेंगे ही, तो एक मतलब एरिया वाइज कपड़े देख के पहनना चाहिए थोड़ा सा,
पर हाँ मैं ये इसमें टोटली ये भी नहीं कहूँगी कि टोटली लड़कियाँ गलत है, जेंट्स को अपनी थोड़ी सोच सही करनी चाहिए। तो आज सोशल मीडिया पे बहुत सारे देख रहे हैं तो लड़कियाँ एकदम शॉर्ट्स में आ रही हैं, एकदम सब कुछ ब्लर का तो कोई चांस ही नहीं है, क्या कहना है आपका? क्या ही बोलूँ मैं इस बारे में, मॉडर्न जमाना है, इसके लिए कोई जिम्मेदार है? इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, मॉडर्न जमाना है, उनकी लाइफ है, पहनेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत मुद्दे छिड़े भी है इस बात पे, इवन हरियाणा में एक ऐसा इशू चला था कि लड़कियाँ जींस नहीं पहनेंगी, जींस नहीं पहनेंगी, बट वो भी अब कट हो गया, लड़कियाँ जींस पहनती है। तो देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी जिम्मेदार मानती है, जितने भी काम है तमाम आपने देखे होंगे केस ऐसे हुए, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं तो है जिम्मेदार। लाइक ऐसे है कि बच्चे फोन मोबाइल चलाते हैं, वहाँ आपके वहाँ उसको लेके लोग पहले इवन बच्चे तीन तीन चार साल चार चार साल में फ़ोनों की सारी डिटेल्स जान जाते हैं, तो हो सकता है कि हाँ ये इश्यू हो, बट ये हम ये तो नहीं कि उनको फिर रेजिस्ट करें कि चीज़ें ये चीज़ें ना करें, इस बारे में कोई कुछ चीज़ कही नहीं जा सकती। नहीं, आप एक एजुकेशन कैरियर में भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर रही है, देखा जाए तो आजकल की युवा पीढ़ी अपने कैरियर में कैसे मुकाम हासिल करेंगे यदि वो मोबाइल का दुरुपयोग करते चले जाएंगे? दुरुपयोग का तो उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इवन पड़ेगा, बस ये है कि लोगों को ना अपने लाइक लिमिटेशन मेंटेन करनी चाहिए, थोड़ा ये नहीं कि मतलब मोबाइल ना चलाए, ये होता है कि थोड़ा टाइम मोबाइल चला ले और फिर मतलब जो ज़रूरत चीज़ें वो करें उसमें। मोबाइल को अच्छा टाइम भी दिया जा सकता है, कुछ अच्छी चीज़ें देखी भी जा सकती है, लेकिन वो अपने कैरियर से रिलेटेड ना देख कर सीधे गलत वे में चले जाते हैं। मोबाइल में ये कि अच्छी चीज़ें भी हैं, बट ये कि आजकल लोग गलत चीज़ें ज़्यादा कैच करते हैं, बट ये उनको सुधार करना है कि ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखें और गलत पे थोड़ा कम फोकस करें। कभी चले जाते हैं, कभी कभी सही फैसले नहीं ले पाते हैं, तो अब इस इंटरव्यू को देख करके शायद आप सही फैसले कर सकें। तो इस इंटरव्यू को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में क्या लिखना चाहेंगे हमें लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, नमस्कार। दूसरी खबर में